गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। टुडे वी विल कंटिन्यू विद आवर चैप्टर फोर, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। लास्ट क्लास में हमने लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई पढ़ लिया था। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम अदर एग लेइंग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। लेट्स स्टार्ट। क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, लिजार्ड्स एंड स्नेक्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई लेइंग एग्स। क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, लिजार्ड्स और स्नेक्स भी एग्स ले करके ही रिप्रोड्यूस करते हैं। देयर एग्स हैव हार्ड शेल्स लाइक दैट ऑफ बर्ड्स। और इनके जो एग्स होते हैं उनका जो शेल होता है वो बर्ड्स के एग की तरह ही हार्ड होता है। क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स मेक नेस्ट फॉर देयर एग्स ऑन द ग्राउंड इन शैलो पिट्स नियर द रिवर बैंक्स। क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स जो होते हैं वो अपने नेस्ट बनाते हैं ग्राउंड के आसपास, जहाँ हल्के गड्ढे होते हैं नदियों में, नदियों के पास, नदी के किनारों के पास। आफ्टर लेइंग द एग्स, एग्स देने के बाद द मदर कवर्स द एग्स विद सैंड। जो मदर क्रोकोडाइल या मदर एलिगेटर होती है वो एग्स को सैंड से कवर कर देती है। ओनली अ फ्यू ऑफ देम हैच एज सम डू नॉट गेट सफिशेंट हीट एंड सम आर ईटन बाई अदर एनिमल्स। जितने भी एग्स मदर क्रोकोडाइल या एलिगेटर्स देती है उनमें से कुछ ही एग्स टूटते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको पर्याप्त गर्मी नहीं मिलती और कुछ ऐसे होते हैं जिनको दूसरे जानवर खा जाते हैं। व्हेन द एग्स हैच, जब अंडा टूटता है, द मदर पिक्स द बेबीज इन हर माउथ एंड कैरीज देम इनटू द वाटर। जब अंडा टूटता है तो जो माँ होती है वो अपने बेबीज को अपने मुँह में लेकर अंदर पानी में छोड़ देती है। शी गार्ड्स देम फॉर सेवरल मंथ्स, और उसकी देखभाल वो काफ़ी महीनों तक करती है। एक्वेटिक ओविपेरस एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स वो होते हैं जो पानी में रहते हैं। एनिमल्स लाइक फिश एंड फ्रॉग ले एग्स इन वाटर। एनिमल्स जैसे कि फिश और फ्रॉग पानी में ही एग्स देते हैं। फिश ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट वन टाइम। जो फिश होती हैं वो एक बार में हजारों अंडे देती हैं। मैनी फिश ले एग्स ऑन द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज और अमंग वाटर प्लांट्स। और बहुत सी फिश ऐसी होती हैं जो पानी, जो वाटर बॉडीज होती हैं उनके बिल्कुल निचले हिस्से में, बॉटम में जाकर एग देती हैं या वाटर प्लांट्स के बीच में। सम फिश हैव एडहेसिव एग्स एंड दीज एग्स स्टिक टुगेदर इन बंचेस। और कुछ फिश के जो एग होते हैं वो एडहेसिव मीन्स चिपचिपे होते हैं, और चिपचिपे होने की वजह से वो क्या होते हैं, इकट्ठे एक दूसरे के साथ चिपक कर बंच बन जाता है उनका। द यंग वंस इन द एग्स ग्रो एंड हैच इनटू वेरी स्मॉल बेबी फिश कॉल्ड फ्राइज। और जो भी एग्स, द यंग वंस इन द एग्स ग्रो, एग्स के अंदर जो यंग वंस होते हैं वो बड़े होते हैं, और जब अंडा टूटता है तो वो स्मॉल बेबी फिश में बदल जाते हैं जिसको फ्राइज कहते हैं। नॉट ऑल फ्राइज ग्रो इनटू एडल्ट फिश एज मोस्ट ऑफ देम आर ईटन बाई अदर बिग फिशेज एंड एक्वेटिक एनिमल्स। सभी फ्राइज एडल्ट फिश में ग्रो नहीं हो पाते हैं क्योंकि कुछ को अंदर ही, पानी के अंदर ही बड़ी बड़ी मछलियाँ या दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स खा जाते हैं। फ्रॉग ले एग्स इन वाटर। फ्रॉग्स पानी के अंदर एग देते हैं। अ फ्लोटिंग क्लंप ऑफ एग्स इज कॉल्ड फ्रॉग स्पॉन। फ्लोटिंग क्लंप का मतलब होता है एग्स आपस में एक दूसरे से चिपक कर एक बड़ा बंच बन जाते हैं जिसको फ्रॉग स्पॉन कहते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। फ्रॉग की लाइफ साइकिल कैसी होती है। फर्स्ट एग्स, अ जेली लाइक कवरिंग प्रोटेक्ट्स द एग। जो एग होते हैं उनके ऊपर जेली जैसी कवरिंग होती है जो कि एग को प्रोटेक्ट करती है। द एग स्लोली डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। और जो एग होता है वो धीरे धीरे एक भ्रूण में बदल जाता है। ऑर्गन्स एंड गिल्स बिगिन टू फॉर्म इन द एम्ब्रियो। और जो एम्ब्रियो भ्रूण होता है उसके दूसरे अंग और गिल्स बनना शुरू हो जाते हैं। द योक इनसाइड द एग्स प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। और जो एग के अंदर एग योक होता है वो उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है बढ़ने के लिए। नेक्स्ट होता है टैडपोल। सबसे पहले एग स्पॉन होता है, उसके बाद आता है टैडपोल। आफ्टर इट्स डेवलपमेंट पीरियड,
उसके बढ़ने के समय के बाद द एम्ब्रियो लीव्स इट्स जेली शेल. आफ्टर इट्स डेवलपमेंट पीरियड द एम्ब्रियो लीव्स इट्स जेली शेल एंड अटैचेज इट्स सेल्फ टू अ वीड इन द वाटर. जो एम्ब्रियो होता है वो एम्ब्रियो बनने के बाद जेली शेल को छोड़ देता है और पानी में जो कूड़ा करकट रहता है उससे जाकर अटैच हो जाता है. इट क्विकली बिकम्स अ टैडपोल और अ बेबी फ्रॉग विद अ लॉन्ग टेल. और उसके बाद ये जल्दी ही या तो बेबी बिकम्स अ टैडपोल और अ बेबी फ्रॉग, ये टैडपोल में बदल जाता है और उसके बाद बेबी फ्रॉग में बदल जाता है जिसकी लंबी टेल होती है. टेल मीन्स पूंछ. द टैडपोल ग्रोज विद द वीड अंटिल इट इज बिग इनफ टू ब्रेक फ्री इन टू द वाटर. और जो टैडपोल होता है वो उस वीड के साथ तब तक रहता है जब तक कि वो इतना बड़ा ना हो जाए कि वो पानी में आज़ादी से घूम सके. इट फीड्स ऑन स्मॉल प्लांट्स. और वो जो फीड करता है वो स्मॉल प्लांट्स के थ्रू करता है. थर्ड स्टेज रहती है फ्रॉग. आफ्टर अबाउट 5 वीक्स, 5 हफ्तों के बाद लेग्स बिगिन टू ग्रो, पैर बनना शुरू हो जाते हैं. द टेल बिकम्स स्मॉलर टिल इट फाइनली वैनिशेस. और जो टेल होती है टैडपोल की वो धीरे धीरे करके छोटी हो जाती है और जब पूरा फ्रॉग बन जाता है तो वो बिल्कुल ही गायब हो जाती है. लंग्स बिगिन टू डेवलप. लंग्स बनना शुरू हो जाते हैं प्रिपेयरिंग द फ्रॉग फॉर इट्स लाइफ ऑन लैंड. और फ्रॉग अपने आप को ज़मीन पर रहने के योग्य भी बनाना शुरू कर देता है. फाइनली अ फुल्ली डेवलप्ड फ्रॉग विद लंग्स एंड लेग्स हॉप्स आउट फ्रॉम द वाटर. और अंत में क्या होता है, जब पूरी तरह से फ्रॉग बन जाता है और उसके लेग्स और लंग्स बन जाते हैं तब उसके बाद वो पानी से कूदकर बाहर आ जाता है. एज वी ऑब्जर्व्ड द यंग टैडपोल लुक्स मोर लाइक अ फिश देन द फ्रॉग. और हम ये देखते हैं कि जो यंग टैडपोल होता है वो ज़्यादातर फिश के जैसा दिखाई देता है बजाय फ्रॉग के. दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ टैडपोल टू अ फ्रॉग इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस. और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है टैडपोल से फ्रॉग बनने का, इस ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस इज सीन इन बटरफ्लाइज एंड फ्रॉग्स. और जो ये मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है ये बटरफ्लाइज और फ्रॉग में ही होता है. नेक्स्ट है पेरेंटल केयर इन एनिमल्स. एनिमल्स में पेरेंटल केयर क्या होती है और कैसे होती है. एनिमल्स नर्चर एंड केयर फॉर देयर एग्स एंड बेबीज. जो एनिमल्स होते हैं वो अपने एग्स का या बेबीज का पूरा पालन पोषण करते हैं और देखभाल करते हैं. फर्स्ट है अ टर्टल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट नाइट एंड बरीज देम इन द सैंड. जो टर्टल होता है वो 100 एग देता है एक रात में और उनको सैंड के अंदर दबा देता है. स्नेक्स कॉइल अराउंड द एग्स एंड अटैक एनिमल्स दैट कम क्लोज. स्नेक क्या करता है, अपने एग्स के चारों तरफ कुंडली मारकर बैठ जाता है और अगर कोई जानवर हमला करने की कोशिश करता है तो वो या पास आने की कोशिश करता है तो वो उसके ऊपर हमला करता है. द मेल सी हॉर्स यूजेज इट्स पाउच टू स्टोर द एग्स एंड लुक्स आफ्टर देम अंटिल दे हैच. और जो मेल सी हॉर्स होता है उसके अंदर एक पाउच होता है जैसा कि कंगारू में होता है, सेम ऐसा ही पाउच होता है. वो अपने एग्स को उस पाउच के अंदर स्टोर करके रखता है और जब तक कि वो अंडों से बाहर ना आ जाए बेबीज तब तक वो उनकी देखभाल करता है. फिश ले अ लॉट ऑफ एग्स एट ए टाइम. जो फिश होती हैं वो एक बार में बहुत सारे एग्स देती हैं. क्लोज टू वाटर प्लांट्स टू हाइड देम. और कहाँ देती हैं, वाटर प्लांट्स के आसपास देती हैं और उनको वहीं छिपा देती हैं. सम फिश कीप देयर यंग इन देयर माउथ. और कुछ फिश ऐसी होती हैं जो अपने यंग वंस को अपने माउथ में रखती हैं. अ काउ यूजेज इट्स हॉर्न्स टू अटैक एनीवन हु कम्स क्लोज टू इट्स यंग काफ. जो काउ होती हैं वो अपने हॉर्न्स का इस्तेमाल करती हैं अपने बच्चों की, उनके बेबीज यंग काफ के आसपास कोई भी आता है तो उस पर अटैक करने के लिए. Cats fight attackers with their claws and move their kittens to a safer place if the kittens are disturbed. Cats अपने kittens को बचाने के लिए अपने claws का इस्तेमाल करती हैं और उनको किसी safe place पर ले जाती हैं अगर कोई उनके kittens को disturb करता है तो. A kangaroo carries its young in its pouch wherever it goes. जो kangaroo होता है वो अपने young ones को अपने pouch के अंदर रखता है जहाँ कहीं भी वो जाता है. Most birds build nests to protect the eggs from bad weather and predators. बहुत सी birds ऐसी होती हैं जो nest बनाती हैं अपने eggs को
खराब मौसम से या शिकारियों से बचाने के लिए। बेबी बर्ड्स आर टेकन केयर ऑफ बाई एटलीस्ट वन पेरेंट, और जो बेबी बर्ड्स होती हैं उनकी केयर करने के लिए कोई भी एक पेरेंट हमेशा उनके पास रहता है अनटिल दे आर एबल टू फ्लाई एंड गेट देयर ओन फूड, जब तक कि वो उड़ने के काबिल ना हो जाएं और अपना खाना खुद खोजने के काबिल ना हो जाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर का बुक और कॉपी वर्क पीडीएफ आएगा जो आप अपने बुक और कॉपी में कंप्लीट करेंगे।